आपको बताएं कि सिंध हाईकोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शमील अहमद से। शमील बताइएगा, दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई? जी देखिए, आप मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की तरफ से दरख्वास्त का दायर की गई थी सिंध हाईकोर्ट में, जिस पर आज बात हुई तो अदालत ने सबसे पहले इस्तफसार किया कि किस बुनियाद के ऊपर दरख्वास्त दायर की गई है। जब तरमीमी हुई तो अदालत कैसे मदारसत कर सकती है, तरमीम से पहले कैसे तयन करेंगे तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। जबकि अदालत का यह भी कहना था आप दरख्वास्त लेकर यहाँ आ गए, जबकि दरख्वास्त गुजार इब्राहिम शहबुद्दीन का कहना था आदमी तरमीम को ड्राफ्ट असेंबली में लाया गया है। अदालत का कहना था कि असेंबली में बैठे 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपने प्रैक्टिस प्रोसीजर एक पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है, जिस पर दरख्वास्त गुजार का कहना था कि वो जजमेंट पढ़ने के बाद ही उन्हें दरख्वास्त दायर की है। अदालत का कहना था कि इसके बावजूद आपने इस दरख्वास्त करने की जिसारत की, दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। अदालत का यह भी कहना था कि इस कानून के तहत मुसव्वदा बार काउंसिल वकला तंजीमों के सामने पेश करने का हुक्म दें। अदालत ने तमाम बुनियादों के ऊपर दरख्वास्त जो है मुस्तरद की। जी शमील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।